लोकसभा चुनाव के मतदान के एक दिन पहले यानी 18 मई को गोरखपुर के सांसद और संत कबीर नगर के भाजपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद के ऑडियो मैसेज से सनसनी फैल गई, जिसको लेकर हरकत में आए भाजपा के नेताओं ने आनन फानन में सांसद प्रवीण निषाद से संपर्क किया तो भाजपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद ने उस ऑडियो को पूरी तरह से फर्जी बताया और कहा कि ऑडियो जारी करने वाले भाजपा प्रत्याशी की लोकप्रियता से घबरा गए हैं और हमें बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। सांसद प्रवीण निषाद ने बताया कि फर्जी ऑडियो जारी करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए संत कबीर नगर से भाजपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद ने कहा कि निषाद समाज पूरी तरह से भाजपा के साथ है और रवि किशन शुक्ला को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए कटिबद्ध है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सांसद व भाजपा नेता प्रवीण निषाद ने कहा, हेलो महेंद्र, हाँ भैया जय निषाद, जय निषाद, ये माननीय सांसद जी बात करेंगे, प्रवीण निषाद जी बात करिए। हेलो, जय निषाद, जय निषाद, और क्या हाल है? बढ़िया है भैया, जा रहे थे प्रचार में। अच्छा जी, अभी देखिए क्या है हमारा वहाँ पे संत कबीर नगर में, हमको संत कबीर नगर में हमको ब्राह्मण और सतवार लोगों का वोट नहीं मिला है। हाँ भैया, ठीक है, तो जरा कोशिश करिए कम से कम गोरखपुर में तो हमारा पुराना चुनाव चिन्ह जो साइकिल है वो जीत जाए कम से कम। हम चाहेंगे कि हमारे रामगोपाल जी जीत जाए भैया। और अपने समाज के ठीक है। हाँ, वहाँ गोरखपुर में जो है कि हम परशुराम जी को और देश जी को और दिनेश गुंजा जी को साथ में आरती जी और राजेश जी को भी बोले हैं, काम पे लगाए हैं। अच्छा, सब लोग। हाँ, तो थोड़ा आप भी ध्यान दीजिएगा। याद अली भैया, हम बुलावत आना को भाजपा वाले। अच्छा, और देखिएगा ये बात किसी को मालूम ना चले कि हम फोन किए थे आपको। नहीं नहीं भैया, नहीं। हाँ ठीक है, जय निषाद, जय निषाद। सीएम को निकालना चाहिए, वो पूरी तरीके से फर्जी है। विरोधी हताश है, जो महागठबंधन है पूरे उत्तर प्रदेश में हार रहा है गोरखपुर के साथ साथ, इसलिए ऐसी मतलब हरकतें की गई हैं विरोधियों के द्वारा। और मैंने स्पष्ट कर दिया ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया और चैनल के माध्यम से कि मैं प्रवीण कुमार निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी शक्ति के साथ और पूरा निषाद समाज, निषाद पार्टी माननीय मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना रहा है और गोरखपुर रवि किशन के साथ है और कमल का बटन दब रहा है और जो सबका साथ सबका विकास का नारा है उसको चरितार्थ करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं, पूरा निषाद समाज संकल्पित है। और ये लोग जो लोग भी ये कार्रवाई किए हैं उनके खिलाफ़ हमने FIR अज्ञात FIR दर्ज करा दिया है और क्राइम ब्रांच उसको फाइंड आउट कर रहा है और जैसे ही फाइंड आउट हो जाएंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों का नाम भी उसमें आ रहा है, तो क्या आपके संगठन से जुड़े हुए निषाद पार्टी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमने अज्ञात मुकदमा दर्ज किया है, वो ऑडियो किसका है, कहाँ से वायरल हुआ है वो फाइंड आउट होकर उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विपक्षी पार्टियों की साजिश है एकदम निश्चित तौर पर, क्योंकि विपक्षी हार रही है, महागठबंधन हार रही है, अब मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं और उनके पास कोई चारा नहीं है उनका पीछा करने के लिए, तो मोदी जी आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये लोग पीछा ही कर रहे हैं और वो गलत तरीके से हैं। तो निषाद समुदाय क्या कहता है? निषाद समुदाय पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है।